हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चलते होंगे कि आसमान नीला क्यों है, पैंट में कुछ गीला क्यों है, अगर कुछ टाइट सा है तो फिर करेक्टर ढीला क्यों है। ऐसे ही बहुत सारी गतिविधियां हमारे आसपास घटती तो हैं लेकिन हमें उनका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, वो क्यों हो रही हैं। ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक पॉपुलर साइकोपैथ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बीकॉम करने वाले एक महान ब्रेव साइंटिस्ट और घोस्ट राइडर अनजान भूतवाला जी को। अनजान जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर हाँ, स्वागत है आपका। किधर है स्वागत? मतलब यहीं स्वागत है तो कीजिए स्वागत। अरे हमें बहुत डर लगता है भूतों से, आप भूतों की बात मत कीजिए हमारे साथ। अरे सर, आपको थोड़ा ना डर लग सकता है, आप तो घोस्ट राइडर हैं सर। अरे क्यों नहीं डर सकते भाई, एक बार एक भूतनी को हमने एक भूत के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। सर ये आपत्तिजनक स्थिति मतलब, थोड़ा इसको इस पर प्रकाश डालिए सर, आपत्तिजनक। तब से वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। मतलब सर रोटी बना रही थी, क्या था? ऐसे रोटी बनता है? गंवारे आदमी हो क्या यार तुम? नहीं, कंपार्टमेंट आई थी। तो ऐसे ही जब हम एक बार कंपार्टमेंट की परीक्षा दे के रात को निकल रहे थे अपने गर्लफ्रेंड की गलती पे उसको सॉरी बोलने, क्या देखा सर? तभी हम क्या देखते हैं कि खूब अंधेरी रात है और एक जगह एक गाड़ी पार्क है, उसमें एक सुंदर लड़की एक लड़के के साथ सेक्स कर रही है। तो उस समय तो हम वीडियो बना लिए। उसमें आपको कुछ संदिग्ध दिखा? आप दिखाइए, तरफ दिखाइए। हाँ, बाद में देखा तो बहुत एंजॉय किया। वीडियो क्वालिटी तो सर ये मस्त है सर, क्या इसी से शूट किया था क्या? अच्छा कैमरा है ये, वो एंड में देखिए। थैंक यू सर। लेकिन सर ये तो वीडियो ख़त्म हो गई, भूत कहाँ इसमें? अच्छा भूत, हमको लगा चू। सर तो भूतों के बारे में कुछ बताइए, जिस पे टॉपिक है हमारा उस पे बताइए कुछ। भूत बढ़िया कर रहे हैं भाई, बिग फोर का नाम है। अच्छा, बिग फोर जैसे क्रिकेट में फैब फोर होता है, वैसे भूतों में भी टॉप फोर होता है। तो क्रिकेट में चार जो टॉप खिलाड़ी हैं उन्हें फैब फोर कहा जाता है ना इस ज़माने के, विराट कोहली, केन विलियमसन, जॉय रूट और शार्दुल ठाकुर। उसी तरीके से भूतों में भी अभी टॉप फोर की अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, उसमें आपकी पहली हो गई एनाबेले, वो बढ़िया कर रही है, बढ़िया कर रही है, अच्छा डरा रही है। दूसरा उसका भाई हो गया तत्या बिच्छू, वो भी मैं कहूँगा कि मतलब बराबर ही है। तीसरी नन, उसकी परफॉर्मेंस बीच में डाउन हुई थी फिर कमबैक किया, नन का अच्छा चल रहा है। और चौथा भूत शार्दुल ठाकुर, वो भी अच्छा कर रहा है। शार्दुल ठाकुर भूत है? मतलब क्या बोल रहे हैं सर आप? उसको मार मार के कितना भूत बनाता है बैट्समैन लोग, वो भूत नहीं है। अरे भाई उसका आप बताइए, टीम में जगह होना चाहिए क्या? जगह तो उसकी घंटा नहीं बनती सर, मार घंटा बाहर निकाल देना चाहिए उसको। एक मिनट सर, अब टॉपिक से भटकाने लगे फिर मुझे, टॉपिक पर रहिए ना सर, भूत की बात कीजिए। अच्छा हम मुद्दे से भटका रहे हैं, हम छपरा से गरीब रथ पकड़ के मतलब भूत का बात करने आए हैं, कमाल है भैया। चलिए भूत के बारे में डिस्कशन हो गया, अब थोड़ा प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप ये बताइए कि आपका प्रोसेस क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर वहाँ जाते हैं, कॉल आता है, किसका आता है, बताइए। हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं, मतलब दिन भर मेरा फ़ोन बजता रहता है। अभी तो नहीं बज रहा है सर, नेटवर्क नहीं होगा। नेटवर्क तो पूरा है सर। आज मंगलवार है। अच्छा अच्छा, वो बजरंग बली का दिन है आज तो इसलिए नहीं, आज उनका पार्टी डे, आज नाइट आउट करते हैं, क्लबिंग वगैरह करते हैं आज। भूत लोग क्लबिंग करते हैं? नहीं भौसड़ी के, बस तुम क्लबिंग करते हो, भूत एंजॉय नहीं करे, वो इंसान नहीं है, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। अरे भाई उन्होंने भी टैक्स दिया था। टैक्स कहाँ देता है भूत सर? मरने से पहले टैक्स नहीं दिया था? अरे कितना मुश्किल है इस प्रगतिशील देश में भूत होना, इसलिए हम उनके लिए एक एनजीओ खोले हैं जिनमें हम भूतों को बिठा के उनको बीड़ी पिलाते हैं। ठीक ठीक है सर, मैं समझ गया, लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप पकड़ते कैसे हैं भूत को? ऐसे पीछे जाके पकड़ लेते हैं जब सो रहे होते हैं। तो भूत भी सोते हैं सर?
नहीं भोसड़ी, बस तुम सोते हो, तुम ही बहुत थक गए हो, चार सवाल पूछ के थक जाते हो, तुम ही बस सोने का हक है। अरे भूत किसी के साथ सो जाए, वो इतने प्यासे हैं, भूत जो है बाय नेचर बेचैन होते हैं, साइंस की भाषा में भूत वर्जिन होते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक वर्जिन आदमी ही भूत बनता है? वर्जिन ही भूत बनते हैं। अगर आप इस दुनिया में अनसेटिस्फाइड रह गए तो आप ये दुनिया छोड़ के जा ही नहीं पाएंगे फिर। तो फिर सर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या होता क्या है उनके साथ? सेटिस्फाई करना पड़ता है, 16,000 भूतों को हमने सेटिस्फाई किया। सर ये तो बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सर आप भूतों की इच्छाएं पूरी करते हैं? जी। ठीक है सर, अपना इक्विपमेंट दिखाइए। सामान देखना आपको। सर भूत पकड़ने के लिए कोई इक्विपमेंट यूज़ करते होंगे ना? वो इक्विपमेंट दिखाइए, हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं। अरे बहुत अच्छा सवाल, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, इसमें सारा साइंस लगा है हमारा। पहली बार कैमरे पे हम इक्विपमेंट देखेंगे जिससे भूत पकड़े जाते हैं। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं और गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। जी जी जी, इसका बहुत अहम रोल है अगर आप देखें तो। इसमें थोड़ा सा मदद लिया गया है विदेशी साइंटिस्टों का भी। ये देखिए सर, ये तो चिल्लर है सर। अरे चिल्लर नहीं है, ये इक्विपमेंट है। ये आप ये देखिए, इसको बंद किया, मुट्ठी बनाई, क्या है सर ये, क्या कर रहे हैं आप? इसकी आवाज से जो वाइब्रेशन निकल रहा है वो भूतों के लिए वाइब्रेटर से भी अच्छा काम करता है, और उससे वो अट्रैक्ट होके आते हैं। तो मतलब इसकी वाइब्रेशन से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक भूत अट्रैक्ट हो गया है, उसको अब सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सर क्या कर रहे हैं, बंद कर दिए। सर एक मिनट। अरे एक ही मिनट बचा, सेटिस्फाई हो जाएगा, रुक जाइए। हो गया सेटिस्फाई। एक मिनट, आप कह रहे हो कि दिन में आपको भूत दिख रहा है, लेकिन अगर नासा की माने तो ब्रह्मबेला के बाद जब 4 बज जाता है उसके बाद भूत डीएक्टिवेट हो जाता है। नासा की क्या है बात माने, वो हमारा कोई बात मानता है? कितनी बार हम उसको बोले कि शनिवार को वीरवार को मिसाइल मत लॉन्च किया करो, मान रहे हो हमारी बात? अरे नासा क्या बोलेगा, नासा में खुद भूत है एक। नासा में भूत है? नासा में भूत, नासा में भूत है। सर इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। अपोलो लॉन्च हुआ था जिसमें वो बंदा गया था नितिन मुकेश, जब वो चांद पे गया तो उसके साथ एक भूत आ गया यान में, वो नीचे आया और फिर नासा में घुस गया। सबूत क्या है आपके पास? आप देखिए कि चांद पे पानी नहीं है, ये तो है। चांद पे पानी नहीं है तो मतलब भूत है, क्या मतलब इसका? तो पानी पिया कौन, कौन ख़त्म किया, ये तो कोई भूत कुछ कोई तो होगा। तो ये भूत साले होते बहुत प्यासे हैं, इसलिए मैंने एक एनजीओ खोला है जहाँ भूतों को बिठा के मैं बीड़ी पिलाता हूँ। सर बहुत ही रोचक बातें बताई हैं आपने भूत के बारे में, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि भूतों की मनोस्थिति क्या होती है, किससे गुजरते हैं वो लोग? बहुत बुरी मनोस्थिति है, डिप्रेशन में है वो। मैं इसीलिए उनको बिठा के बीड़ी पिलाता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ, उनको एक थेरेपी देता हूँ। भूत दूसरे भूतों से अपनी बातें शेयर कर लें? नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना। अच्छा, कोई ICSE बोर्ड का मरा है, कोई बिहार बोर्ड का मरा है, वो आपस में बात ही नहीं, एटीट्यूड बहुत है ICSE वालों का। अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप। सर ये बार बार बीड़ी और भूत कर रहे हैं, क्या संबंध क्या है बीड़ी और भूत का, इस पर थोड़ा सा बताइए हमको। देखिए जब मैं बहुत थक गया भूतों को ढूंढ ढूंढ के, तो मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और मैंने बीड़ी सुलगा ली, तो मैं क्या देखता हूँ कि जॉनी सिंस और मियाँ खलीफा की एक वीडियो चल रही है। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप, ये पॉडकास्ट में फालतू बातें मत कीजिए। जॉनी सिंस और मियाँ खलीफा का वीडियो आया ही नहीं आज तक। अच्छा, फिर कोई और होगी। तो मैं क्या देखता हूँ कि कोई मेरे से पीछे से आके बीड़ी मांग रहा है। मैंने बीड़ी पास किया तो देख रहा हूँ हवा में बीड़ी लटक रही है, उसमें पफ 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 बीड़ी ख़त्म कर दिया। मतलब एक इनविजिबल
आदमी भूत दिख नहीं रहा है और वो बीड़ी पी रहा है जी, तो कहने का मतलब ये है कि भूत लोग जो हैं वो बीड़ी की खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनको बीड़ी की लत है जी, तो उनको फिर सिगरेट की भी लत? नहीं, सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट से कैंसर होता है। अच्छा, आइस बर्स्ट पीने वाले की गांड मारते हैं सर? क्या मैं आइस बर्स्ट ही पीता हूँ? हाँ तो आपके मारेंगे। अरे कोई नहीं कोई नहीं, मैं हूँ ना, संभाल लूँगा। थैंक यू सर। एक आइस बर्स्ट है क्या? हाँ सर, एक आइस बर्स्ट होगी मेरी जेब में। सर ये तो हो गई भूतों के मनुस्थिति की बात, अब थोड़ा सा भूतों के भविष्य के बारे में बात कर लेते हैं। भूतों ना भविष्यति। सर भूतों का भविष्य क्या है? भूतों का ही भविष्य है लल्लू लाल, 5 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी हो गई, उनकी सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, वीकडेज पे ऑफ मिलता है, इंश्योरेंस उनका है, प्रोस्टिट्यूशन अलाउड हो रहा है, मारिजुआना अलाउड हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं भाई, पहले लोग भूत बनने से डरते थे, आज के ज़माने में जो इंसानों की लाइफस्टाइल है, धड़ल्ले से लोग भूत बन रहे हैं, वो अब स्टीरियोटाइप ब्रेक हो गया है। तो आपके कहने का मतलब है कि आने वाले वक्त में भूतों की आबादी जो है वो इंसानों से ज़्यादा हो जाएगी? जी, बढ़ गई है सर। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि भूतों की आबादी जो है वो मुझसे ज़्यादा हो गई है, तो सर आपने जो भूत एक्टिवेट कर दिए हैं इनको डीएक्टिवेट कर दीजिए जाने से पहले। आप एक काम कीजिए, एक चाकू, एक पीतल के बर्तन में जल, काली मिर्च और एक नींबू ले आइए। अभी देते हैं सर, अभी लाते हैं। ये लीजिए सर, दे दिया मैंने आपको सारा सामान जो आपने मांगा था मुझसे। सर फिर भूत निकल गए सारे यहाँ पे? नहीं, डकार निकल गई, गैस बन गया था इसलिए मंगाया था। तो सर भूतों का क्या? सेटिस्फाई कीजिए उसको, भाग जाएगा। सर मैं कैसे सेटिस्फाई करूँगा? अब उसका सेकंड राउंड का मन हो जाएगा तो क्या होगा, सेटिस्फाई कीजिए जब तक वो थके ना। सर हम नहीं कर पाएंगे सर। अरे बिल्कुल कर पाएंगे, आप फ्यूचर है महाराज, आपके अंदर दिख रहा हमको। सर हम घोस्ट हंटर नहीं है ना, क्या करें, आपको बोले तो है, ट्रिक सिखाया तो है, आप कीजिए। सर सुनिए तो सर। अरे हमारे पास है सिक्का। सर मैं कह रहा हूँ एक घंटे रुक के थोड़ा सा, हमें तलब लग गया है, आइस वॉस्ट गोल्ड फ्लेक पीने जा रहे हैं हम, बीड़ी हमारा ख़त्म है, ये लीजिए। अरे हमारे पास है ये सिक्का, रखिए आप, एक घंटे की बात है सर। पैसा भिजवा देना। सर मैंने आपको 5,000 रुपये दिए, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। तो दोस्तों फिर से YouTube पे रेगुलर हो गए हैं और ये नई प्रॉपर्टी है, बिल्कुल कुछ ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो कि अब आती रहेंगी और पुरानी प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। तो कमेंट करके बताओ कि और क्या क्या देखना चाहते हो, लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ बतानी है कि भाई तुम्हारे भाई ने एक नई कंपनी शुरू की है, कंपनी का नाम है enjoykarado.com। That's right, enjoykarado.com। अब हम क्या करते हैं, हम ट्रैवल एजेंसी है, हमारे पास ट्रैवल एक्सपर्ट्स हैं और आपके घर वाले या आपकी फैमिली वाले, आपका ग्रुप या आपकी कंपनी, आप सोलो हैं, अगर आप कहीं भी दुनिया में घूमना चाहते हैं, हम आपको बेस्ट से बेस्ट इटनरीज और बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और सस्ते से सस्ते दामों में। तो आप अगर खुद से प्लान करोगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, चाहे आप विदेश जाना चाहते हो या भारत में कहीं घूमना चाहते हो, हमारे साथ प्लान करोगे तो बहुत आपको बजट में पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आप ले पाओगे। तो enjoykarado.com को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और कमेंट करो यार, प्यार दो अपना।